पहिल्या सामन्यात 25 धावांची विस्फोटक खेळी गेली होती आणि आपल्या संघाच्या विजयात सिंहाचा वाटा उचलला होता या फलंदाजाने मनीष उर्फ पांड्या. हा चेंडू ऑन साईडला, चेंडू येतोय मिड ऑनला, धावचीची संधी आहे मात्र नकार देतोय मनीष या धावेसाठी. रिस्की धाव होती, निश्चितच धाव चोरण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. नॉन स्ट्राईकला फलंदाज, यावेळेस नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज राकेश. मनीष उर्फ पांड्या जबरदस्त खेळाडू, खूप मोठं नाव आहे ठाणे रायगड संबंध मुंबईमध्ये नाव आहे महाराष्ट्रामध्ये या मनीषच. हा चेंडू फुल टॉस आहे, चेंडू येतोय डीप स्क्वेअर लेगला कॉमेंट्री बॉक्सच्या जवळ. 4 धावा 6 धावा. जबरदस्त फटका, फुल टॉस चेंडू टाकलाय. धाव संख्या यावेळेस धाव पर पाहतो आपण 10 धावा. षटकार होता. पुन्हा एकदा गोलंदाज, यावेळेस मोतीराम पॉवर प्लेच पहिले षटक हाताळतोय. पहिले कन्फर्म करायचं निश्चितच इथे, त्यानंतर सांगायचंय. मी आधी म्हणालो चौकार आहे, मात्र त्यानंतर पंचांनी इशारा केला षटकाराचा, मात्र निश्चितच बाळू पडेल. मी जे म्हणालो तेच खरं होतं. पंच इथे माफी मागतायत, चुका होत आहेत. म्हटलं होतं हिंदीमध्ये इन्सान गलतीयों का पुतला आहे, चुका ह्या माणसांकडनंच होतात. हा चेंडू पुन्हा एकदा स्वीप करण्याचा प्रयत्न, मगाशी याच फटक्याने घात केला होता पांड्याचा, मात्र हा फटका खेळण्याचा मोह त्याला पुन्हा आवरत नाहीये. कारण या फटक्याने त्याला आजवर भरपूर धावा दिलेल्या आहेत. रिव्हर्स स्वीप असो, पॅडल स्वीप असो, पल्लू स्कूप असो, कव्हर ड्राईव्ह असो, लॉपटेड ड्राईव्ह असो, या फटक्याने भरपूर धावा दिल्या आहेत मनीषला. त्यामुळेच मनीष त्याचे फटके इथे पुन्हा एकदा दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. हा चेंडू रिव्हर्स स्वीपच्या माध्यमातून चेंडू जातोय थर्ड मॅन सीमारेषेच्या बाहेर. शिवसेना चौकार. टेनिस क्रिकेटिंगच्या माध्यमातून संदीप फुटाने लाईव्ह चॅटिंग करत असताना समालोचकांची स्तुती केलेली आहे. निश्चितच मनापासून आभार व्यक्त करतोय संदीप फुटाने. काटई गावचे अष्टपैलू खेळाडू, त्यांचं निश्चित आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय. एक शाबासकीची थाप दिलेली समालोचकाच्या पाठीवर चॅटच्या माध्यमातून. हा चेंडू पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीप, मात्र यावेळी चेंडू यष्टी रक्षकाच्या हातात जातोय. षटक संपल्याची घोषणा करतायत पंच आमचे. धावसंख्या धावपालकर पाहतोय, यावेळेस 12 धावा. पहिले षटक संपलेले, एकही गडी बाद झाले नाही. बिनबाद 12. डीजे हॅलो हॅलो, धन्यवाद. याच दरम्यान आपण वेळी आपले मान्यवर उपस्थित झालेत अवेश गायकर उपसरपंच वाकलन साहेब व्यासपीठावर येऊन सरपंच आपलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत. कृपया स्क्रीनसमोर कोणीही बसायचं नाही आहे, विनंती असणार जरा स्क्रीनसमोर कोणीही बसू नका. दर्शन जरा उठायचं आपणही, जे प्रेक्षक बसले आहेत त्यांनाही उठवायचं. जरा थोडंसं सहकार्य करायचं मित्रांनो, आमची विनंती असणार आहे तुम्हाला, आदेश नसणारे. ओड टू विनोद. थँक्यू थँक्यू. सर्वांना विनंती आहे गड रसिकांना की आपण सहकार्य दाखवायचं, कोणी तो पांढरा पडदा पकडायचं नाहीये. धावसंख्या 12. दुसरी षटक प्रगती पथावर काजगाव इनकडे येतो गोलंदाज जीत भोईर. डावखरा गोलंदाज वेगवान, चेंडू लॉप केलाय, सर्वात सुरक्षित फटका 6 धावांसाठी. सीमा रेषेच्या बाहेर लॉंग ऑन लॉंग ऑफच्या मधून गुड शॉट. शिट्टी वाजली, गाडी सुटली, अनुपदार गेला नवर. यावेळेचा फटका राकेशच्या बॅट मधून आलेला आहे. निश्चित फटका आत्मविश्वास वाढवणार आहे.
हा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बाहेर निघतोय, बीट करतोय फलंदाजाला, कमबॅक करताना जीत होईल. वाकण संघाचा अष्टपैलू खेळाडू, जबरदस्त कामगिरी केली होती वाकण संघाने, 43 धावांचा डिफेन्स केला होता पडले संघाविरुद्ध, आणि जीतच जबरदस्त कामगिरी या मैदानावरती. आणि त्यामुळे संघ दुसरा सामना खेळतोय दुसऱ्या फेरीतला. हा चेंडू ऑन साईडला अमनकडे दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय शॉर्ट फाईन लेगला, पंचांचा इशारा येतो चेंडू वाईड आहे, खराब आहे. 1+1 एकूण 2 धावा इथे मिळतील, एक बाईच्या स्वरूपात एक वाईटच्या स्वरूपात. धावसंख्या धावपळ करून पाहतोय आपण 20 धावा. दुसरं षटक प्रगतीपथावर जीत होईल. P2 षटक पाहू शकता आपण, क्षेत्ररक्षण एक डीप मिडविकेटला, क्षेत्ररक्षक एक लॉंग ऑनला व एक लॉंग ऑफला, डीपमध्ये 3 क्षेत्ररक्षक, त्याचबरोबर शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट फाईन लेग, गलीमध्ये क्षेत्ररक्षक आणि एक शॉर्ट फाईन, एक शॉर्ट स्क्वेअर. यावेळी चेंडू हलक्यात खेळून काढतोय मनीष कार्पेटच्या माध्यमातून, वाडीश लॉंग ऑनमध्ये चेंडू उचलला जातोय, एकच धाव इथे मिळते. मनीष संयमी खेळ करत असताना जी चूक पहिल्या सामन्यात झाली होती निश्चित ती चूक सुधारण्याचा प्रयत्न करतोय इथे मनीष. हा चेंडू लॉप केलाय डीप एक्स्ट्रा कॉर्नर मध्ये, क्षेत्ररक्षक नाहीये तिथे, पॉवर प्लेचा अत्यंत सुरेख वापर, 4 धावा, गुड शॉट. थँक्यू. 25 धावा, चौकाराच्या सैन्य धावसंख्या वेगाने वाढते. हा चेंडू लॉफ्ट केल्या पाहिजे, झेल होतोय का, झेल होऊ शकला असता, आता चेंडूवरची नजर नीट नव्हती, प्रयत्न केला होता, झेप घेतली होती एका हाताने घेण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, मात्र कॉन्फिडन्स दिसला नाही, त्यामुळे हा चेंडू बीट करतोय क्षेत्ररक्षकाला. एक धाव इथे मिळते, स्ट्राईक लागते पुन्हा एकदा मनीष कोलेकर उर्फ पांड्या. पहिल्या सामन्यात 26 धावांची बहारदार खेळ केली होती आपल्या संघासाठी, तोच मनीष पुन्हा एकदा स्ट्राईक रेंडला. हा चेंडू भिरकावून दिलाय, पाहायचा आहे क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, पहिला धक्का, मनीष बॅक टू पॅव्हिलियन, मोठा मासा गळा सापडलाय. संख्या धावपळ करत पाहतो आपण, 26 षटकात 14 धावा आल्यात, पहिल्या षटकात 12 धावा. दुपारच्या रणरणत्या उन्हामध्ये हा सामना सुरू आहे, घड्याळात आपण पाहू शकता 2:10 झालेले आहेत. ऊन निश्चितच हळूहळू हिवाळा ओसरत चाललेला आहे आणि गरमी आपण पाहू शकता वाढत चाललेली आहे, मात्र खेळाडूंची दमछाक होताना आपण पाहतोय. धावसंख्या 26, गोलंदाज यावेळेस जोविलेंडकडनं चेंडू हवेत आहे, गोलंदाज स्वतः चेंडू खाली जज करतो चेंडूला आणि फलंदाज बा, दुसरा धक्का पाले संघाला, धावसंख्या 26 वर स्थिरावलेली. दुसरा धक्का यावेळेस फलंदाज बाद होतोय, राकेश बाद होतोय, सलामीचे दोन्ही फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला, नवीन फलंदाज यावेळेस येतो खेळपट्टीवर. हा चेंडू उंचावरून डीप इन विकेटला, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, मॅग्निफिसेंट, जबरदस्त स्टाईल सांग दाखवताना इथे योगेश इंद्रेकर. सहा धावा, जबरदस्त फटका, ताकदीचा भरपूर वापर केला होता या फटक्यामध्ये फलंदाज विजय कोल्हेकर. हा चेंडू लेट कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडूच्या लाईन मध्ये येत नाहीये,
ड्रिल करून दाखवतात कशा प्रकारचा चेंडू खेळायचा होता. मग चेंडू वेगाने टप्प्यापर्यंत निघून जातोय. थोडासा आकुटपणा चेंडू होता, मात्र चेंडूचा अंदाज घेताला आणि लेट कट करण्याचा प्रयत्न केलेला होता. मात्र दोन क्षेत्ररक्षक, एक शॉर्ट थर्डमॅनला एक गलीमध्ये पाहू शकता क्षेत्ररक्षक. हा चेंडू ऑन साईडला भिरकवण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅट आणि बॅटच्या मधून निघून जातोय. बॅक टू बॅक दोन चेंडू निधाव टाकतोय गोलंदाज ज्यावेळेस मोतीराम. पहिल्या षटकात 12 धावा दिल्या होत्या, या षटकात जर आपण विचार केला तर 4 चेंडू फेकलेले आहेत, फक्त 6 धावा खर्च करतोय. जबरदस्त कम बॅक. पुन्हा एकदा मात्र चेंडू पूल करतोय ऑन साईडला, चेंडू येतोय लॉंग ऑनला, मिसफील्ड होतोय. दुसऱ्या धावायचा प्रयत्न, दोन धावा वेगाने पूर्ण करतोय, चूक इथे करतोय, मिसफील्ड करतोय आणि दोन धाव मिळत आहेत पाली संघाला. धावसंख्या धावपालकावर दोन ने पुढे सरकते. धावसंख्या 30 षटक प्रगतीपथावर असताना आपण पाहतोय 34 धावा. पहिल्या षटकात 12 धावा आले, दुसऱ्या षटकात 14 धावा, 26 धावा दोन षटकात आल्या होत्या आणि या षटकात आतापर्यंत 5 चेंडू फेकलेले, 8 धावा खर्च करतोय गोलंदाज मोतीराम. हा चेंडू ऑन साईडला, वाडीश लॉंगणीच्या क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. आणखीन एक फलंदाज बाद, तिसरा धक्का पाले संघाला. धावसंख्या धावपालकावर पाहतोय 34. ड्रिंक्स ऍक्टिव्ह मैदानात जात असताना भगवे झेंड्याने सुसज्ज अशी ऍक्टिव्हा. आणि जेव्हा जेव्हा शिवसेनेची स्पर्धा असते तेव्हा तेव्हा हे चित्र पाहायला मिळते. सर्व वातावरण पाहू शकता, भगवमय वातावरण मैदानाच्या चौफेर आपण पाहू शकता. भगवा शिवसेनेचा कपडा आणि त्यावर शिवसेनेचा वाक, शिवसेनेचं मानचिन्ह आणि त्याचबरोबर शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह, विकासाचा प्राण, धनुष्य बाण आपण पाहू शकता. मैदानाच्या चौफेर भगवे झेंडे डौलाने डोलत आहेत. शिवसेना म्हटल्यानंतर हे चित्र पाहायला मिळतं. आम्ही नगराध्यक्ष चषकमध्ये देखील पाहिलं होतं हे चित्र, नवीन वडवली इथे. आणि त्यानंतर माणिकवीच्या मैदानात देखील हे चित्र आम्हाला पाहायला मिळालं होतं. भगव वातावरण इथं निर्माण केले आयोजकांनी. धन्यवाद विनोद. याच दरम्यान आपण अवेश गायकर उपसरपंच वाकलन यांचा सत्कार करतात. मी आमचे या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक मंगेश दादा यांना विनंती करतो, आपण त्याचा सत्कार करतोय. धन्यवाद बाळू. शिवसेना शिस्त वचन सेवा नातं या चार सुरेल गोष्टींचा संघ म्हणजे शिवसेना. 19 जून 1966 या संघटनेची स्थापना झाली होती. मराठी अस्मिता आणि हिंदुत्व या दोन प्रमुख भूमिकेवर शिवसेना काम करत असते. आक्रमकपणा शिवसेनेचा बाणा आहे आणि आंदोलन करणे हा शिवसेनेचा स्वभाव आहे. जर न्याय तोंड वाजून मिळत नसेल तर तोंडात मारून न्याय मिळावा आणि न्याय हा मिळालाच पाहिजे ही शिकवण स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंची होती. आणि त्याच शिकवणीचं पालन करत असताना अनेक शिवसैनिक, अनेक पदाधिकारी विकासाची कामं पाहू शकता करत असतात, सातत्याने पाहायला मिळतात. दरम्यान सामना इथे सुरू होत आहे. 14 षटक घेऊन येतो गोलंदाज सोमनाथ कासगाव इनकडनं. धावसंख्या धावपालकर पाहतोय आपण. यावेळेस 34 धावा, पहिल्या षटकात 12, दुसऱ्या षटकात 14, नंतर 8 धावा. हा चेंडू बिरकावून दिलाय लॉंग ऑन सीमा रेषेच्या बाहेर. चांगला प्रयत्न, व्हेरी गुड फिल्डिंग. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे केतन, व्हेरी गुड फिल्डिंग. आणि फलंदाज बाद होतो इथे. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. नाट्यमस्ती ती निर्माण झालेली पाहायचंय. प्रेक्षक तिथे इशारा करतात की चेंडू स्वयंसेवक आहेत आमचे, निश्चित कुणावर इथे अन्याय होणार नाहीये. सर्वांनी नोंद करून घ्यायचे. गुढी आमचा षटकार म्हणजे षटकार निश्चितच. आमचे स्वयंसेवक आहेत इथे, आमची कमिटी मेंबर्स आहेत इथे. इथे कोणी आमचा सगळा सोयरा नाहीये, कोणाच्या बाजूने निर्णय दिला जाणे नियमापेक्षा कोणीच इथे मोठा नाहीये. षटकार आमचे स्वयंसेवक सांगताय षटकार आहे कारण मला. आणि भगव्या टी शर्ट मध्ये तिथे आमचे स्वयंसेवक आहेत. ते इशारा करतायत की 6 धाव आहेत. मला वाटतं त्यांचा पाय हा सीमारेषेला निश्चित टच झालेला आहे, त्यामुळेच या 6 धावा मिळत आहेत. अतिशय चांगला निर्णय आहे. त्यामुळे एक जीवदान इथे मिळते फलंदाजाला आणि 6 धावा मिळत आहेत पाली संघाला. धावसंख्या धावपळ करू पाहतो आपण 40 धावा.
कोणी नाराजगी ते व्यक्त करायची नाही आहे. पंचांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे आणि निर्णयाच्या विरुद्ध जर कोणी जाईल तर त्याला पॅनलला सामोरे जावं लागेल. शिस्तबद्ध ही स्पर्धा, खूप मोठी स्पर्धा आहे, लाईव्ह टेलिकास्ट केलं जात आहे आणि आपण निश्चित या शिस्तेचं पालन करायचं आहे. पंचांचा निर्णय अंतिम असणार आहे आणि आमचे स्वयंसेवक आहे तिथे. क्षेत्ररक्षण लवकर सजवायचंय, वेळ वाया घालवायचा नाही आपण. पंचांनी तर दोन्ही संघाला विनंती असणार आहे, ही स्पर्धा लाईव्ह कास्ट दाखवली होती. तुम्हाला शेवटचा निर्णय जर दिला षटकार दो, षटकार असल्याच्या बदल होणार नाही लक्षात घ्या आपण. कारण वाकलन संघ शिस्तबद्ध संघ आहे आणि तिथे आमचे व्हॉलेंटियर्स आहेत. बघा भगव्या टी शर्ट मध्ये व्हॉलेंटियर्स आहेत. संतोष नानेकर स्वतः तिथे उपस्थित आहेत. जर तुम्हाला जायचं तर एक फक्त संघाने एक जा वाकलन संघाचा, बाकीकडून नको तिथे. जर तुम्हाला डाऊटफुल असेल तर निश्चित तुम्ही शहानिशा करू शकता, मात्र फक्त संघाने एक जा तिथे, बाकीकडून नको. मित्रांनो, कारण शिस्तीचं प्रत्येक म्हणजे स्पर्धा पाहिल्या तर बदलापूर आणि भिवंडी विभागातील, तसेच ह्या अंबारे विभागातील सर्वात मोठी स्पर्धा आपण पाहतात. ही स्पर्धा संपूर्ण लाईव्ह कास्ट बघितल्या ते संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, नव्हे तर भारतामध्ये, नव्हे तर संपूर्ण विश्वामध्ये स्पर्धा आणि स्पर्धेचं लाईव्ह कास्ट डब्ल्यूडब्ल्यूएसकेच्या मध्ये संतोष नगरच्या मध्ये पाहिलं होतं. निर्णय शेवटचा असणारे पंच तिथे गेलेत. बघा शहानिशा करतील, कारण षटकाराचा प्रश्न आहे. हरकत नाही, अक्षर तुम्ही घेतलात हरकत नाही. फक्त एक संघाने एक जा, शहानिशा करा, तुम्हाला निर्णय योग्य ते मिळेल. कारण पारदर्शकता या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य आहे. कारण मागच्या वर्षी जी स्पर्धा जरी झाली होती, तरी मात्र 2014 या स्पर्धे आम्ही समालोचन केलं आहे आणि सर्वात जास्त शिस्तीची स्पर्धा रत्नभर स्पर्शकानंतर दुसऱ्या क्रमांकाची स्पर्धा शिस्तीचं एक उदाहरण म्हणजे ही स्पर्धा आपण पाहतोय. स्वर्गवासी हिंदू हृदय सम्राट 2016 मंगेजी दुरे साहेब यांच्या वतीने स्पर्धा आपण पाहतात. बघू शकता त्यांचे कटआउट, भगवे वातावरण या स्पर्धेच्या माध्यमातून एक नवीन वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि आताच मंगेजी दुरे साहेबांना सूचना या रेल्वेत एक सूचना केली की या स्पर्धेमध्ये या मैदानावरती एक नाईट स्पर्धा म्हणून अगलं वेगळं आपण स्पर्धा पाहू शकाल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. तर बघा आमचे तिथे पप्पू धुले सुद्धा गेलेत. पप्पू धुले, आपण निर्णय घ्या. संघाने एक वाकलांचा संघाने आक्षेप दाखवला, कारण सरकारचा प्रश्न आहे. निश्चित त्यांना पूर्ण अधिकार आहे, तुम्हाला पूर्ण अधिकार आहे या स्पर्धेमध्ये तुम्ही निश्चित. मात्र एकदा जर निर्णय झाला तो निर्णय बदलावला जाणार नाही आहे. तुम्हाला निश्चित डिस्कशन करू शकता. बघा लाईव्ह स्क्रीन आधी बघितलं होतं, कॅमेऱ्यामध्ये रिमाइंड केलं होतं. तिसरा पंच जरी म्हटलं तरी हरकत नाही आहे विनोद दादा. तर बघा संपूर्ण स्पर्धेचं लाईव्ह कास्ट केलं. संतोष नानेकर समज स्क्रीनला तिथे आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून हा षटकार की चौकार की काय याचा निर्णय तुम्हाला मिळेल. वाकलन संघ शिस्तबद्ध संघ, त्याचा परिचय डोंबिवलीमध्ये. दुसरे संघ सुद्धा आपण खेळतोय, बरेचसे संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतात. या दुपारच्या वातामध्ये रंगलेला सामना आपण पाहतोय. अप्रतिम स्पर्धा, जेवढं कौतुक आहे तेवढं कमीच. बघा ह्या तर थोड्या काही क्षणामध्ये तुम्हाला निर्णय दिला जाईल की चौकार की षटकार. कारण हे ह्या धावा तुम्हाला जेव्हा तुम्ही चेसिंग करता त्यावेळी फार महत्वाच्या असतात विनोद दादा. कारण एका एका धाव्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय. बघा निर्णय पंचांचा निश्चित येईल. दोन पंच बघू शकाल आपण तिथे. योगेश सर आहेत, दुसरे पंच आमचे योगेश सरांसोबत दुसरे पंच सुद्धा आमचे आहेत. त्यांचं नाव आमच्यावर पोहोचलं नाहीये, पोहोचू आम्ही तुमच्यापर्यंत. भारत आमचे बघा अतिशय चांगले आयोजक आहेत ते, यावेळी पंचांच्या बघते. आणि पंचांचा इशारा पप्पू, बघा पप्पू दिले स्वतः तिथे गेलेत आणि पप्पूंचा इशारा आम्हाला येईल. पंच आम्हाला इशारा देतील. बघा पप्पू दिले आम्हाला इशारा करतात, मात्र पंचांचा इशारा येईल आम्हाला, तोपर्यंत आम्ही वाट पाहतोय. पंच इशारा द्या आपण. यास फलंदाज बाद जबरदस्त. बघा पप्पू दुल्यांची मेहनत बघा, स्वतः तिथे जातीन लक्ष घालतात. आणि जय अक्षप नोंदवता वाकलन संघाना तुम्हाला तुमचं सुद्धा हार्दिक स्वागत. यस विनोद दादा. नक्कीच नक्कीच मच्छिंद्र सर, जर आपण बघा टेक्नॉलॉजीचा किती चांगल्या प्रकारे वापर केला गेला आहे. एक वादग्रस्त निर्णय इथे झाला होता असं वाटलं होतं. निश्चित सहा धावा, क्रिकेटमध्ये एक एक धाव खूप महत्वाची असते आणि हा प्रश्न निर्माण झाला होता सहा धावेचा. त्यामुळेच इथे एक नाट्यमय स्थिती निर्माण झाली होती. मात्र या प्रश्नाचं उत्तर दिलेलं आहे आमच्या संतोष नाणेकरांनी. फलंदाजाला विनंती, आता आपण अक्षेप लगा घेऊ फलंदाज. कारण मग वाकलन सरकारने निर्णय मान्य केला होता, त्यांना पुन्हा एकदा रिमाइंड केला, हरकत नाही. त्यांना अधिकार तिसऱ्या पंचाची आम्ही मागणी केली होती. आता मात्र नो कमेंट्स विथ अंपायर प्लीज. आय कॅन्ड रिक्वेस्ट, दोन्ही संघ शिस्तीचं प्रतीक आहेत, दोन्ही संघ शिस्तबद्ध खेळू आहेत. त्यामुळे तुम्हाला आता जो निर्णय आधुनिकतेचा वापर करून तुम्हाला निर्णय दिला आहे त्याचा तुम्हाला ऍक्सेप्ट करावं लागेल. ओ टू विनोद दादा. नक्कीच इथे आपण सहकार्य दाखवायचं आहे, शिस्तीचं पालन करायचं आहे आणि तिसऱ्या पंचांकडे आपण निश्चितच मागणी केली होती. म्हणजे संतोष नाणेकर यांनी निश्चितच हा उलगडा सोडवलेला आहे. एक प्रश्न निर्माण झाला होता, प्रश्नाचं उत्तर दिलेलं आहे आणि टेक्नॉलॉजीचा अत्यंत चांगल्या प्रकारे वापर केलेला आहे आणि चांगल्या क्षणी केलेला आहे. कारण सहा धावांचा प्रश्न इथे निर्माण झाला होता. मात्र यावेळेस म्हणजे संतोष नाणेकरांनी असा निर्णय दिला की हा फलंदाज यावेळेस बाद आहे. एक मिनिट, त्याचं काही नाही आपल्याला, जरा
बघा आमचे मंगाई धुले सुद्धा या स्पर्धेमध्ये आमचे चांगले आयोजक आहेत, ते सुद्धा मंचावरती बसले आहेत. योग्य निर्णय दिला जाईल. दोन्ही संघांना विनंती असणार आहे की कोणत्याही संघावरती अन्याय केला जाणार नाहीये. या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य आहे, पारदर्शक त्या स्पर्धेचं खूप मोठं वैशिष्ट्य आहे. विनोद पाटील आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये अतिशय चांगले कॉमेंट्री. दुसरे आमचे बाळू पाटील. बघा निर्णय फलंदाजांना मान्य अजून नाहीये. चला फलंदाज बाद दिला कमिटीने, तुम्हाला निर्णय मान्य करावा लागेल. पांड्या आम्ही माफी मागतो तुमची, कारण पंचांचा निर्णय आणि पप्पू धुले स्वतः आयोजक सुद्धा गेले तिथे रिमाइंड केले. तुम्हाला नंतर भेटले तुम्ही पाहू शकता, त्यांनी असं सुद्धा तुम्हाला सांगितलंय. फलंदाज बाद ठरवले, तुम्हाला मैदानाच्या बाहेर यावं लागेल. येस, थँक्यू. दोन्ही संघांना हा निर्णय मान्य केला, दोन्ही संघांना आम्हाला सहकार्य केलं, शिस्तीचं प्रतीक दाखवलं. तुमचं मनापासून आभार. स्टार्ट द मॅच. विनोद पाटील. नक्कीच नक्कीच, चुका माणसांकडनं होतात, मात्र कॅमेऱ्यामध्ये तो क्षण टिपला गेला होता आणि त्यामुळेच हा निर्णय योग्य निर्णय इथे आपल्या पाहायला मिळतोय. फलंदाज बाद होते इथे. धावसंख्या धावपळकर पाहतो आपण, 35 धावा. हा चेंडू लॉफ्ट केला डीप स्क्वेअर लेगला, चेंडू पाहायचाय. फलंदाज बाद होतोय का, झेल सुटतोय. चेंडूचा अंदाज घेतला होता, मात्र चेंडूवरची नजर शेवटच्या क्षणी दूर झाली आणि हा त्या 3 धावा इथे मिळतायत. जिथे फलंदाज बाद व्हायला होता तिथे 3 धावा मिळत आहेत. निश्चितच सर्वांना सक्त ताकीद आहे, कोणी चुकीचं वर्तन करायचं नाही, गैरवर्तन करायचं नाही. खूप मोठी स्पर्धा आहे. तब्बल 3 लाख रुपये प्रथम पारितोषिक आणि त्याचबरोबर 1,50,000 रुपये द्वितीय पारितोषिक आणि तृतीय पारितोषिक आहे 50,000 व चतुर्थ पारितोषिक आहे 50,000. खास आकर्षण आपण पाहू शकता, प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट टाटा नॅनो कार डाव्या बाजूला निश्चितच मोठ्या शान मध्ये ती उभी आहे आणि वाट पाहते कोणता खेळाडू येईल आणि मला घेऊन जाईल इथून. आणि याचं उत्तर, या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला रविवारी संध्याकाळी मिळणार आहे शेवटच्या सामन्यानंतर. जबरदस्त असं आयोजन, खास आकर्षण टाटा नॅनो कार. मला वाटतं 2014 देखील टाटा नॅनो कार होती, त्याचबरोबर अनेक बक्षिस आकर्षक बक्षीस होते आणि यावर्षी देखील नवीन संकल्पना आपण पाहू शकता. मैदान जबरदस्त सजवलेले मच्छिंद्र सर आपण पाहू शकता, भगवमय वातावरण. काय म्हणाले वातावरणाबद्दल मच्छिंद्र सर आपण? निश्चित विनोदा प्रशासन नाहीये, कारण आपण नेहमी म्हणतो की नसल भगवा शिरावर तर परका बसेल उरावर. ही शिवसेनेची भूमिका मराठी माणसासाठी सातत्यानं. ही संस्था मी म्हणे निश्चित संघटना पुढे आलेली, कारण शिवबांची ही संघटना आणि ज्याला शिवसैनिक म्हटलं तर शिवाचे सैनिक आणि त्या बाबतीत मराठी माणसाला न्याय मिळायला पाहिजे. त्यामुळे संघटना सातत्यानं निश्चित आपल्या मराठी माणसासाठी अस्मिता कोण जपली असेल ती म्हणे शिवसेनेनं. विनोद पाटील. नक्कीच नक्कीच, आपलं म्हणणं अगदी रास्त आहे सर. जर आपण पाहिलं तर या झेंड्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या झेंड्याला निश्चितच तेज नाहीये. जर आपण पाहिलं तर हा चेंडू फ्रंट पुढे येऊन ऑन साईडला पूर करण्याचा प्रयत्न होता, यामुळे चेंडू वेगाने निघून जातोय. चेंडूच्या लाईन मध्ये येत नाही, फुटवर्कचा वापर केला गेला होता, फ्रंट फुटवर आले होते, मात्र चेंडू निश्चित चुकीचा शॉट सिल ऑफ स्टंप होता हा चेंडू होता, त्याला ऑन साईडला मारण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. मच्छिंद्र सर नेहमी सांगतात की ऑफ साईडला जो फलंदाज खेळू शकतो तोच फलंदाज एक चांगला फलंदाज म्हणून नेहमी सिद्ध होत असतो. यावेळी चेंडू आउटसाईड एज लागते, फलंदाज बाद डोळे मिटून हा फटका खेळले होते आणि चेंडू सरळ एस्ट्रेक्सच्या हातात जातोय. आणखीन एक धक्का पाले संघाला. धाव संख्या धावपळकर पाहतोय आपण, 38 धावा. धावसंख्या धावपळकर पाहतो पण 38 गडी बाद झालेले, 4 गडी बाद झालेले आहेत, 5 गडी बाद झालेत. यावेळेस पाहतो आपण पाले संघाचे म्हणजे जवळजवळ अर्धा संघ. ज्यावेळेस मनीष खेळत होता तेव्हा निश्चित धावांची गती आपल्याला पाहायला मिळत होती, मात्र मनीष बाद झाला तेव्हा पूर्णपणे संघ बॅकफूटवर आला आणि हे चित्र पहिल्या सामन्यात देखील पाहायला मिळालं होतं. आणि यावेळेस चेंडू हवेत आहे, वर गेलाय, नो मॅच लँडमध्ये चेंडू लँड होतोय, तोपर्यंत 2 धावा घेण्याचा पुरेसा अवधी मिळतोय आणि या 2 धावा धावपळकर अंकित. धावसंख्या 2 पुढे पुढे सरकते. धावसंख्या धावपळकर पाहतो आपण, 40 धावा. चौथं षटक प्रगती पथावर. या षटकातील जर विचार केला तर एकूण यजमान, मी प्रेक्षकांना विनंती करतो कृपया कोणी प्रवेशदाराजवळ उभे राहू नका. प्रेक्षकांना आमची विनंती असणारे यस विनोद पाटील. नक्कीच नक्कीच, प्रेक्षकांना विनंती आहे नम्रतेची की आपल्यासाठी बसण्यासाठी व्यवस्था केलेली आहे. पल्लू स्कूप करायचा होता, तिलकरत्न दिलशान स्टाईल
मात्र चेंडू टपावर वेगाने निघून जातोय, टायमिंग होत नाहीये, चेंडू जातो सरळ यष्टिरक्षाच्या हातात, निर्धाव चेंडू, चार षटक इथे संपले, चार षटकानंतर धावसंख्या धावपळकडे पाहतो आपण, 40 धावा पहिल्या षटकात, 12 धाव आल्या त्या, म्हणजे पहिल्या षटकात 12 धावांची धाव गती, दुसऱ्या षटकात पहिले 26 धावा 14 धावा आल्या होत्या, त्यानंतर धावांची गती होती 13.50 आणि त्यानंतर 8 धावा आल्या होत्या 34 धावा आणि त्यानंतर आपण पाहिल्या होत्या 11.33 सरासरी तिसऱ्या षटकात आणि त्यानंतर आता पाहतोय फक्त 6 धावा आता मात्र धाव गती कमी झाली 4 षटकानंतर फक्त प्रति षटकामागे 10.00 धावगती इथे राखलेली आहे. मात्र अजूनही 6 चेंडू शिल्लक आहे, शेवटचं षटक शिल्लक आहे, स्लॉग ओव्हर डेथ ओव्हर आणि या शेवटच्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा इथे यायला हव्यात. कारण जो संघ प्रतिस्पर्धी संघ जर आपण पाहतोय, वाकण संघ एक चांगला संघ, एक दादा संघ या ठाणे रायगड विभागातला, मात्र या संघासमोर एक फायटिंग स्कोर इथे उभा करावा लागेल पाले संघाला. 5 गडी बाद झालेले आहेत आणि पूर्णपणे जबाबदारी येऊन ठेपली ती म्हणजे मधल्या फळीवर, मिडल ऑर्डरवर. आणि मिडल ऑर्डर फार महत्त्वाचा असतो, कारण जेव्हा टॉप ऑर्डरचे फलंदाज पूर्णपणे असफल ठरतात, अयशस्वी ठरतात, तेव्हा ही जबाबदारी येते मधल्या क्रमांकावर, मधल्या फळीवर. यावेळेस स्ट्राईकला फलंदाज अजय स्ट्राईक एंडला आणि काळूराम नॉन स्ट्राईक एंडला आपण पाहू शकता, गोलंदाज अविनाश. हा चेंडू ऑन साईडला मिड विकेट मध्ये येतो चेंडू, चेंडू उचलला गेला पहिल्या टप्प्यात, दुसऱ्याचा प्रयत्न नकार देत आहेत. आता धावची संधी आहे, डायरेक्ट हिट, फलंदाज बाद, 6वा धक्का, नियम क्रमांक 38, फलंदाज बॅक टू पॅव्हिलियन. सहावा धक्का यावेळेस पाले संघाला, लालच बुरी बला असं नाही म्हटलं जाते, दुसऱ्या धावेचा मोह आवरतला नाही. यावेळेस फलंदाज बाद होतोय, धावची डायरेक्ट हिट करतोय क्षेत्ररक्षक. यावेळेस धावसंख्या धावपलकावर 41 धावा, गोलंदाज अविनाश भोईर. पहिल्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच अविनाश भोईर, अतिशय चांगली गोलंदाजी करतोय. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, यावेळी चेंडू येतो कार्पेटच्या माध्यमातून डीप मध्ये, 1 धाव घेतली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, 2 धाव पूर्ण होतील का, पुन्हा एकदा डायरेक्ट करतो यष्टी रक्षक. आणखीन एक फलंदाज बाद, 7वा धक्का पाले संघाला. धावसंख्या धावपालकावर 41, 7वा धक्का यावेळेस पाले संघाला. आपण पाहतोय यावेळेस अविनाश हा तोच अविनाश ज्याने पहिल्या सामन्यामध्ये संघाला रोमहर्षक विजय मिळवून दिला होता. फक्त 2 धावा खर्च केल्या होत्या आणि 12 धावांनी संघाला विजय प्रस्थापित करून दिला होता पाडले संघाच्या विरुद्ध. लेफ्ट आर्म राउंड द मारा करतोय, अतिशय चांगला गोलंदाज. हा चेंडू फॉलोथ्रूमध्ये मिसफील्ड होते, धावची संधी होती पुन्हा एकदा, मात्र या संधीचं सोनं करता आलं नाही आणि 1 धाव मिळते इथे पाले संघाला. धावसंख्या धावपाल करू पाहतोय आपण, 43 धावा. उशीर आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी हा सामना जो सुरू आहे दुसऱ्या फेरीतला, पहिला सामना वाकण वर्सेस पाले या 2 संघादरम्यान. हा चेंडू स्टंपच्या बाहेर जाऊ दिलाय, मात्र पंच निश्चितच हा चेंडू निर्धाव आहे, पंचांकडे पाहिलं जात आहे. वाईटची दात मागितली जाते, मात्र पंच ही दात फेटवून लावत आहेत. चांगला चेंडू आता, निर्धाव चेंडू पुन्हा एकदा गोलंदाज अविनाश भोईर, जोईल एंडकडनं लेफ्ट आर्म राउंड मारा करतोय. हा चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये कार्पेटच्या माध्यमातून, 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे धावत आहेत, 2 धावा पूर्ण होत आहेत, प्रयत्न केलाय चांगला, मात्र तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न इथे फलंदाज बाद होऊ शकला असता. आणखीन एक संधी गमावली गोलंदाजांनी इथे अविनाशने, 3 धावा इथे मिळत आहेत. शेवटचं षटक आहे, 1-1 धाव खूप महत्वाची असणार आणि या धावा निर्णायक असू शकतील या संघासाठी. धावसंख्या धावपळ करू पाहतोय आपण, 46 धावा. षटकातील चेंडू एकूण फेकलेले आहेत आतापर्यंत जर आपण पाहिले तर, 5 चेंडू फेकले, शेवटचा चेंडू आहे. हा चेंडू लॉफ केलाय पुन्हा एकदा डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये, क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, चेंडू उचलला पहिल्या टप्प्यात, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, थ्रो आलेला आहे, फलंदाज बाद होतोय का, डायरेक्ट हिट होत नाहीये आणि या 2 धावा मिळतात पाले संघाला. धावसंख्या धावपळकावर
पाहतोय आपण 48 धावा. धावपालकावर 49 धावांचं लक्ष ठेवण्यात आलेलं. ते म्हणजे वाकळण संघासमोर पाले संघाने, आणि या धावांचा हा संघ इथे डिफेन्स करेल का की वाकळण संघ या धावा चेस करेल, अनेक प्रश्न आता निर्माण झालेले आहेत या इनिंग नंतर. 49 धावांचं लक्ष आहे वाकळण संघासमोर, आणि या धावा इथे चेस होतील की नाही, आणि कशा प्रकारचं क्रिकेट हे दोन संघ इथे सादर करतील. आणि पुन्हा एकदा आपण या दुसऱ्या सत्रामध्ये ऐकणार आहोत रायगडचा बुलंद आवाज पुन्हा एकदा मच्छिंद्र पाटील यांना. तत्पूर्वी ते काही मान्यवर आमच्या आलेले आहेत. निश्चितच एक नियम आहे, पाली संघाला पेनल्टी लागते इथे, कारण वाकळण संघाला इथे पेनल्टी लागते कारण न सांगता व्हिडिओ बघण्यासाठी गेलेले, आणि हा नियम आहे. दोन धावांची पेनल्टी लागलेली असं आयोजकांचं म्हणणं इथे वाकळण संघाला, म्हणजे 8 ग्राउंडच्या बाहेर गेले होते. आणि पंचांना निश्चित आम्ही नियम सांगितला होता की खेळाडूंनी देखील खेळाडू कक्षातून जायचं नाही आहे, जरी बॅट चेंज करायची असेल तर कमिटी मेंबर्सला सांगायचं आहे. आणि या नियमांचं उल्लंघन इथे वाकळण संघाने केलं आहे, आणि त्यामुळे त्यांना 2 धावांची पॅनल्टी लागते. आणि 19 धावा धावपाल करू पाहतो आपण आता पॅनल्टीच्या सहाय्याने. 50 धावा आणि 51 धावांचं लक्ष इथे निश्चितच पूर्ण करायचं वाकळण संघाला. ओव्हर टू मच्छिंद्र सर. हॅलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया मिनोज जी. चलते मैदान के ऊपर आज के प्रतियोगिता एक और शानदार मुकाबला हम देख पा रहे हैं. ये देखिए कितना बड़ा माहौल इस मैदान पर हम देख पा रहे हैं, दर्शकों की तादाद इस मैदान के ऊपर. ये मुकाबला देखकर काफी बड़ा मजा आएगा क्योंकि दो टीमें इस मैदान के ऊपर काफी बड़ी टीमें खेल रही है. वाकलन बनाम पाला के बीच में चलता हुआ ये शानदार मुकाबला. अगला मुकाबला होगा गोलावली वर्सेस अगासन. दोनों टीम के कप्तान से मैं तेजी से गुजारिश करते हैं सिगरी प्रसाद के टॉस के लिए, क्योंकि आपके लिए आखिरी और अंतिम कॉल होगा. पहला और अंतिम कॉल होगा आपको सिगरी प्रसाद करना टॉस के लिए. तो यहाँ पर वाकलन टीम को 2 रन की पेनल्टी दी गई क्योंकि बिना सोचे समझे वहां पर कैमरे में देखने गए थे वहां पर, इसके लिए ये नियम की तोहिन की उन्होंने, और इस नियम की तोहिन करने के बाद उनको पेनलाइज किया गया. और तकरीबन टीम का स्कोर बनता हुआ 50-51 का टारगेट बीच मैदान के ऊपर. ये देखिए हमारे मंगेश जी धुले इनको देख पाएंगे इस मंच के ऊपर, हमारे लाडले आयोजक है. उनके साथ हमारे चेतन धुले साहब वो भी नगर सेवक है, और बाराम कामरे हमारे शिवसेना अमरनाथ तालुका प्रमुख, उसके बाद हमारे पप्पू धुले और सभी कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस प्रतियोगिता को 4 चैनल का प्रयास किया है. दोपहर की कड़ी धूप में मच्छिंद्र पाट रायगढ़ फिर एक बार आपका तेजी से स्वागत करता हूँ. चलते दोस्तों मैदान की तरफ. जीत के लिए दूसरे पारी का यहाँ पर खेल जारी किया जा रहा है. 51 का टारगेट यहाँ पर स्कोर खड़ा कर दिया, 50-51 का टारगेट यहाँ पर खड़ा करना है. और ये मिस फील्ड यहाँ पर जरूरत थी कि थ्रो करने के ओवर थ्रो के इस सवाल पूछा गया, यहाँ पर कप्तान की ओर से 1 रन का इजाफा हुआ. जहां तक सवाल था गेंदबाज ने यहाँ पर अच्छी गेंदबाज की थी, गेंद भी डॉट पे की थी, लेकिन जीत बोयर यहाँ पर बल्लेबाजी में है और केतन मात्रे और जीत बोयर यहाँ पर गेंदबाजी में तैनात है. सागर थोर भी यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए कदमों का इस्तेमाल, बल्ले का बाहरी किनारा यहाँ पर. और ये देखिए हम बल्लेबाज के पारी का अंत हुआ, पहला विकेट मैदान से बाहर. जीत बोर के पारी का अंत हुआ यहाँ पर, सबसे बड़ा शिकार हाथ मिल चुका है. ये देखिए जल्लोष मैदान के ऊपर और जीत बोर के माध्यम से यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ डीजे. हमारे मंच के ऊपर अतिथि कक्ष में
तो टॉस के लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे मंच के ऊपर अधिकरण में थोड़ी देर बाद हम टॉस करेंगे। यहाँ पर चलते मैदान के ऊपर पहला मुकाबला होने के बाद जीतने के बाद दूसरा मुकाबला दोनों टीमें खेल रहे। पहले टीम ने पहले मुकाबले में बल्लेबाजी शुरू में की थी, दूसरे में दौर में की थी, और वाकलन टीम ने शुरू में पहले मुकाबले में पहले बल्लेबाज की थी। डायरेक्ट हिट देने का प्रयास, इनडायरेक्ट हिट यहाँ पर। ये देखिए बल्लेबाज का हौसला कितना बड़ा, एक एक रन के लिए यहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है। जानते हैं एक एक रन की कीमत क्या हो रही है, क्योंकि पावर प्ले के दायरे के अंदर गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है, सर चढ़कर गेंदबाजी की फायदे गेंदबाजी हो रही है। तो इन हालातों में इक्का दुक्का के ऊपर ध्यान देकर रनों की रफ्तार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और जीत के लिए 51 की मंजिल यहां पर बनाने, उस मंजिल को छूने का प्रयास करते हुए गेंदबाज सागर तोरे यहाँ पर गेंदबाज करते हैं। ये देखिए बेहतरीन स्टोक को यहाँ पर कर दिया, कवर ड्राइव के माध्यम से गेंद जा रहे, स्क्वायर ड्राइव करने का माध्यम किया, दो रन का इजाफा होता है। अच्छी सोच बल्लेबाजों की, कितना अच्छा क्रिकेट खेला जा रहा है, बिल्कुल गेंद के मेरिट को देखकर यहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है। जब गेंद ऑफसाइड में होती है तो ऑफसाइड में यहाँ पर स्टोक को बरकरार किया जा रहा है, और गेंद यदि मिडल स्टम्प या लेग स्टम्प के ऊपर होती है तो ऑनसाइड में खेलने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छी क्रिकेट दोनों टीम के कप्तानों की ओर से और दोनों खिलाड़ियों की ओर से और दोनों यहाँ पर कप्तान की ओर से। और ये देखिए बढ़िया स्टॉक, जैसे मौका मिला ओवर पिच गेंद, गेंद सीमा पार, स्क्वायर ऑफ द विकेट, पहला छक्का। मास्टर केतन मात्रे पहले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी नहीं की थी, सबक सीखा है उन्होंने पहले मुकाबले में। सभी बल्लेबाज मैदान के ऊपर 43 के ऊपर ऑल आउट हुए थे, उसके बाद ये सबक सीखा है और पहला छक्का लगाया बल्लेबाज केतन ने। एक और बड़ी आस्था हो गया आपने खेला पर, कोई मौका नहीं, दूसरा स्क्वायर ऑफ द बड़ा हिट यहाँ पर, पहला छक्का स्क्वायर ऑफ द विकेट था, अब ये दूसरा चौका स्क्वायर ऑफ द विकेट। अब मैदान के ऊपर मजा आता हुआ बल्लेबाजी का। सन्मान्य अवेश भोईर साहब हमारे अतिथिगण, उनके शुभार्थ से टॉस किया जाएगा। आइए अवेश भोईर आपके शुभार्थ से टॉस कीजिए, दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं दीजिए। तो दोस्तों चलेंगे दूसरे दौर के दूसरे मुकाबले की तरफ, जबरदस्त मुकाबला। पहले मुकाबले में 74 रन बनाकर अगासन टीम ने मंजिल बनाई थी, तो दूसरे मुकाबले में 52 रन चेस कर इस मैदान के बाद जीत का झंडा लहराया था कोहली टीम ने। इन दोनों कप्तान के बीच में टॉस होगा, जबरदस्त प्रतियोगिता खेली जा रही है। हमारे आगासन के संतोष बेडेकर यदि आए तो उनसे गुजारिश करेंगे आई मंच के ऊपर, हम आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। ये देखिए टॉस किया जा रहा है, पर दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। पहला मुकाबला गोलियर टीम ने बिल्कुल शानदार जीता था, लेकिन आगासन की बात करेंगे तो पूरी हुकूमत साबित की थी मैदान के ऊपर, 74 रन बनाए थे, यानी कि सबसे बड़ा स्कोर आज उन्हें दिखाया था इस मैदान के ऊपर। दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। और की समाप्ति टीम का स्कोर बनता हुआ एक ओवर के समाप्त के तत्पश्चात हमारे विश्वनाथ धुले में बता रहे कि टीम का स्कोर बनता हुआ 14 रन, जीत के लिए 52 का टारगेट, और इस टारगेट को चेस करने का प्रयास करते हुए एक अच्छी बल्लेबाजी। ये देखिए बैट एंड पैड में गेंद थी, ऑन ड्राइव के माध्यम से खेला खिलाड़ी, वहां पर मुस्तदी के साथ आते हुए सागर थोरवे वहां पर आते हुए, तब तक समय था बल्लेबाज के पास, तब तक 2 रन का इजाफा होता हुआ। टॉस जीता यहाँ पर तेजू ने, तेजू फील्ड किया आपने क्या किया, यस फील्ड करने का फैसला किया, और बल्लेबाज को मौका मिलेगा अब यहाँ पर गोलोली टीम को। ये देखिए पूरा मुकाबला इस मैदान के ऊपर खेला जा रहा है, लाइव कास्ट दिखाया जाए, तीसरे अंपायर की मांग की गई यहाँ पर, और तीसरे अंपायर के रूप में प्रस्थान करते हुए कौन है तीसरे अंपायर, पप्पू धूले, आपको जाना है यहाँ पर तीसरे अंपायर के रूप में। पप्पू धूले की काफी मेहनत है दोस्तों, हमारे चेतन धूले रहेंगे, हमारे मंगे जी धूले रहेंगे, काफी मेहनत है उनकी, उनके मेहनत और लगन के कारण ये प्रतियोगिता शान और शौकत से हम देख पा रहे हैं। तीसरे अंपायर की मांग की यहाँ पर, देखिए अंपायर की अहम भूमिका निभा रहे हैं दो अंपायर, जबरदस्त प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता के पूरे विश्व में यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से देखी जा रही है, उसका पूरा श्रेय मैं दूंगा हमारे सबके लाडले संतोष नानेकर, जिनको आप देख सकेंगे स्क्रीन के सामने बिल्कुल अपना कैमरा जमाते हुए। और ये देखिए पप्पू तीसरे अंपायर में यहाँ पर जाते हुए लौटते हुए। टीम का स्कोर हम बताएंगे आपको, टीम का स्कोर पहला ओवर समाप्त हुआ था तो पावर प्ले में 14 रन आए थे, और जब दूसरे ओवर के यहाँ पर आगाज हुआ तो दूसरे ओवर के आगाज में टीम का स्कोर बनता हुआ 16 रन। कमाल क्रिकेट जो दर्शक YouTube के ऊपर हमें सुन रहे हैं, मैं मच्छिंद्र पाटिल रायगढ़ आपका पूरा विवरण हम देंगे, मराठी हिंदी इंग्लिश तीनों भाषाओं में आपको यहाँ पर इस प्रतियोगिता का विवरण देंगे। जबरदस्त प्रतियोगिता यहाँ पर खेली जा रही है, बालू मुकाबले की गरिमा को देखा जाए तो यस बालू कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर। यस मैडम, मनोहर पाटिल ग्राम पंचायत सदस्य वाकलन यांना विनंती करतो, व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आयोजक तर्फे आपला हार्दिक स्वागत। ओल्टू मच्छिंद्र पाटील अरबिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर, बल्लेबाज प्रतीक पाटील
दूसरे नंबर के बल्लेबाज केतन मात्रे यहाँ पर, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज है इस समय प्रदीप पाटिल। देखने यहाँ पर तीसरे नंबर के बल्लेबाज है वनडाउन बल्लेबाज, काफी खतरनाक होते देखिए स्टांस उनका किस अंदाज में यहाँ पर खेलने के लिए तैयार है। अच्छी गेंद, कितनी रफ्तार थी गेंद में, बल्लेबाज ने क्या किया यहाँ पर जगह से खेलने का प्रयास किया, ऑनसाइड के ऊपर लॉन्ग आउट के ऊपर से बिग स्ट्रोक को यहाँ पर तब्दील करना चाहिए, समय काफी कम मिला क्योंकि गेंद में दरार थी यहाँ पर और बल्लेबाज इस गेंद को बिल्कुल अपने अंकुश में ले पाए। फाइनल के रिजल्ट में खेलने का प्रयास, डायरेक्ट हिट बल्लेबाज के पारी का, एक और विकेट का नुकसान और यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सदमा पहुंचता हुआ वाकलन टीम को। ये देखिए दिनेश मस्कर की शानदार फील्डिंग, डीजे मिश्रा आपको सतर्क रहना है, जब हम रुकेंगे तो तुरंत आपको टाइमिंग शॉट लगाना है। मयूर काफी अच्छी डीजे की ऑपरेटिंग, आपके समय नहीं लगा, जब हम रुकेंगे तो तुरंत आपको यहाँ पर डीजे का यहाँ पर रुक बजाना है। तो टीम का स्कोर यहाँ पर दो विकेटों के नुकसान के ऊपर, ये देखिए डायरेक्ट हिट करने का प्रयास किया, दबाव में यहाँ पर शायद खेल रही है वाकलन टीम क्योंकि पहले मुकाबले तो हम बताएंगे आपको, पहले मुकाबले में वाकलन ने बल्लेबाजी की थी और बाद में इस मुकाबले में उनको रन चेस करने पड़ रहे हैं। तो पहले मुकाबले में पायलट टीम ने बल्लेबाजी में रन चेस किए थे, अब उनको यहाँ पर पहले बल्लेबाज का मौका मिला था, यानी कि दोनों के साथ यहाँ पर विपरीत घटना हम देख पा रहे हैं क्योंकि पहले मुकाबले में टॉस जीता था पालेगांव टीम ने, यहाँ पर हारे तो पहले मुकाबले में वाकलन टॉस हारी थी, अब उन्हें टॉस जीता है। ये देखिए दोनों के बीच में क्या घटना यहाँ पर घटित हो रही है, लेकिन पहला मुकाबला जो जीता था बिल्कुल अंतिम दौर में जीता था पायलट टीम ने, लेकिन वाकलन टीम ने जो मुकाबला जीता था अजीमो शान जीत यहाँ पर बिल्कुल प्राप्त की थी क्योंकि 12 रनों से मुकाबला जीता था, 44 का टारगेट उन्होंने बनाया रखा था, लेकिन उस मुकाबले को भी बड़ी एक बार तादाद में जीता था। यहाँ पर अंपायर का इशारा करते हुए अंपायर संतोष नैयर दिशा को खो दिए, नियम के तोहिद यहाँ पर 25 ये नियम लागू किया जाएगा, उस नियम के तोहिद यहाँ पर इस टीम को एक रन का और भुगतान दिया जाएगा यहाँ पर खराब गेंद के माध्यम से। ये ऊपरी किनारा यहाँ पर खिलाड़ी तैनात और कोई भी खिलाड़ी तैनात नहीं है, दो खिलाड़ी है विजय और कालूराम थे यहाँ पर, 12 भी खिलाड़ी हमें थोड़ी सी सुस्ती में है, उनसे गुजारिश है हमारा ध्यान रखिए गेंद कहाँ पर, जो खेड़े का नाम बताना है आपको, इसलिए तो आपको बिठा है हमारे पीछे, तो कौन वहां पर थे कैच के लिए वो बताना था आपको, तो आप बता के फायदा नहीं है, समय बीत गया यहाँ पर। तो कालूराम और विजय थे वहां पर, ये एक देखिए क्या हुआ यहाँ पर, न तू न तेरा न मेरा, और इस दिया दिया जमीन को दान किया, यहाँ पर कॉलिंग खराब, ये हमारी ग्रामीण की कमजोरी, यहाँ पर मुंबई के खिलाड़ी होते हैं तो जोर से आवाज देते कि आपको लेना है, आई विल टेक ये, यहाँ पर बिल्कुल हमारे योगेश भी जुड़ चुके हमारे साथ, अच्छा हमारे कमेंटेटर हैं। और ये देखिए लंबे ऑफ क्रिस्टो करने का प्रयास, खिलाड़ी तैनात विलास गेंद के नीचे, और ये भी खराब फील्डिंग, अब यहाँ से जीत पाएगी क्या ये टीम, क्योंकि खराब फील्डिंग के कारण ये मुकाबला पायलट टीम को छोड़ना पड़ सकता है। ये देखिए दो मौके थे, मौके बार बार नहीं आते आपको, मौके का फायदा उठाना चाहिए, पर दूसरी मरतबा आप दो खराब फील्डिंग का मुजहरा और टीम का स्कोर, अब मौका मिलता हुआ वाकलन की किस्मत उनके साथ में है, और जब किस्मत आपके साथ में तो आप बिल्कुल आप सफलता की चढ़ी कड़ी को काट सकते हैं। आप ये देखिए खिलाड़ी को मौका देंगे तो क्या होगा, मौका देने के बाद होगा चौका, ये शानदार छक्का, यकीनन सर जिस तरह पिछले गेंद पर विलास ने क्या छोड़ा था वहां पर लॉन्ग ऑन की रीजन पे, और उसी बाद दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया स्क्वायर लेके सीमा के रखवार, जले पर नमक छिड़क दिया यहाँ पर बल्लेबाज, जो कि वाकलन के एक अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने पिछले मुकाबले में, दो छक्के जड़े थे उन्होंने, एक अच्छी बल्लेबाजी के दम पर वाकलन टीम को इस मैच में भी वो जीत दिलाना चाहेंगे, मगर इस दफा अच्छी फील्डिंग करनी होगी, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, तभी पायलट टीम इस मुकाबले को जीत सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, जानकारी टीम का स्कोर बनता है 26 जीत के लिए अभी भी जरूरत है 18 गेंदे 25 की आवश्यकता। हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट में पकड़ो क्या जीतो मैच, और इस तरह के दो यहाँ पर आप क्या छोड़ पाएंगे, तो इस मुकाबले की जीत की उम्मीद भले कैसे कर पाओगे, क्योंकि ये जो फील्डिंग का आपका मुजहरा है ये काफी खराब रहा है। पर ये देखिए पप्पू दुल्हे मैदान से बाहर होते हैं, जब भी तीसरे अंपायर की मांग की जाती है तो पप्पू दुल्हे हमारे मैदान पर जाते हैं, जब कोई मैदान के ऊपर बवाल होता है तो पप्पू दुल्हे मैदान पर जाते हैं, कितना बड़ा किरदार है हमारे पप्पू दुल्हे का, एक महीना इस मैदान के ऊपर कड़ी मेहनत के बाद ये अच्छा शानदार मुकाबला देख पा रहे हैं। इसमें हमारे होंगे मंगेश दुल्हे साहब, हमारे दूसरे होंगे हमारे चेतन दुल्हे साहब, उसके बाद बालाराम काबरी साहब और हमारे पप्पू दुल्हे और उनके सभी समर्थक, जिनके माध्यम से अथक परिश्रम के बाद ये मैदान के ऊपर ये प्रतियोगिता फल फूल रही है। जीत के लिए 18 गेंदे 25 की आवश्यकता, अभी भी मुकाबला दो तरफा खुल सकता है, लेकिन यहाँ से यदि गलतियों को दोहराएंगे तो पायलट टीम प्रतियोगिता से बिल्कुल अलविदा कर सकती है। पहले मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद इस मुकाबले में क्यों गलतियां हो रही है, इसका यहाँ पर सवाल के जवाब उन नहीं ढूंढ पा रहे और यही गलतियों के ऊपर गलतियां कर रही है यहाँ पर।
यहाँ पर देखिए लेग स्टंप से ऑप्शन के थोड़ी सी बाहर गेंद ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था। अब पावर प्ले के दायरे की बंदिश समाप्त होने के बाद अब गेंदबाज के ऊपर दबाव काफी कम होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कई खिलाड़ी सीमा लगत यहाँ पर पहरेदारी करते हुए एक डीप पॉइंट के ऊपर, एक डीप लॉन्ग ऑफ, एक डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर, एक डीप मिड विकेट के ऊपर, अब डिस्क वेले के ऊपर, यानी कि पांच खिलाड़ी यहाँ पर पहरेदारी कर रहे हैं सीमा रेखा की तरफ। और ये ऊपरी किनारा स्वयं गेंदबाज गेंद के नीचे, प्रभाकर गेंद के नीचे, शानदार कैच, एक और विकेट, यानी कि विकेट नंबर गिरता हुआ यहाँ पर तीसरा विकेट मैदान से बाहर। डीजे तो टीम का स्कोर यहां पर बनता हुआ 26 रन यहां पर जीत के लिए। दिल्ली दूर ने 51 का टारगेट मैदान के ऊपर और जीत के लिए अब समय कर बनता हुआ 25 की आवश्यकता। और ये तीसरा विकेट गिरता हुआ, ये देखिए टीम मीटिंग कॉल की, कप्तान ने क्या रणनीति होगी अग्नि उनकी, उस रणनीति को अपनाने के लिए यहाँ पर एक दूसरा तीसरा विकेट गिरने के बाद फिर एक बार अपनी रणनीति में यहाँ पर कुछ तब्दीली और बदलाव लाना चाहेंगे यहाँ पर गेंदबाजी के तौर पर। ये एहसास होना चाहिए दोनों टीमों को कि दोनों टीमों ने मुकाबला पहला बिल्कुल अच्छा जीता था, लेकिन यहाँ से मैं बिल्कुल सूचित करूंगा दोनों कप्तान को कि अच्छा क्रिकेट खेले यहाँ पर, दबाव में क्रिकेट मत खेलिए। जब आप दबाव में क्रिकेट खेलोगे तो आपका जो शानदार प्रदर्शन है वो यहाँ पर आप नहीं दिखा पाओगे। तो टीम का स्कोर रुका हुआ यहाँ पर, टीम का स्कोर जीत के लिए 25 की आवश्यकता है, टीम का स्कोर बनता हुआ 26-51 का टारगेट है। हाल ही में टारगेट 49 का था, लेकिन वाकलन के खिलाड़ी वहां पर कैमरे में देखने गए थे एक्शन रिप्ले, जिसके तहत दो रन की पेनल्टी दी गई और यह पहली टीम है जिसको पहली दो रन की पेनल्टी लगी यहाँ पर इस पूरे प्रतियोगिता में आज के दूसरे दिन में। यहाँ पर यह प्रतियोगिता काफी फल फूल रही है और ये मुकाबला देख पा रहे, इस प्रतियोगिता का 12वां मुकाबला और आज के इस दिन का ये मुकाबला हम देख पा रहे 5वां मुकाबला। कल 7 मुकाबले यहाँ पर खेले गए। खिलाड़ी यदि इस प्रकार की आवाज देंगे तो बिल्कुल डेड बॉल करार कहेंगे और अंपायर का कितना ध्यान है, अंपायर इस वक्त दो अंपायर योगेश हमें बताएंगे, करण अंपायर है हमारे मिस्टर करण सर और दूसरे अंपायर भारत सर। बिल्कुल दो अंपायर इस समय अपना किरदार निभाते हुए पहरेदारी करते हुए अपना शिकंजा कसते हुए और सभी की निगाह पर अंपायर के ऊपर। बल्ले का बाहरी किनारा खराब, क्रिकेट खेलने का प्रयास करते, बार बार इस तरह की क्रिकेट यहाँ पर खेली जा रही है, बार बार उन्हीं गलतियों को यहाँ पर दोहराया जा रहा है। तो यस बालू कुछ कहना चाह रहे आप? हेलो यजमान, एक खेळाडूंसाठी गोड बातमी, बाळाराम जगन काबरी शिवसेना तालुक अंबरनाथ तालुका प्रमुख यांच्याकडून उद्यापासून खेळाडूंसाठी जेवणाची सुद्धा उत्तम सोय केलेली आहे महेंद्र पाटील, काय म्हणणार असणार या व्यक्तीबद्दल? निश्चित, बिलकुल, अन्नदान हे सबसे बड़ा दान होता है बलू, इससे बेहतर कोई दान नहीं होता। बिल्कुल, जो दान करता है वो काफी धनवान होता है, ये कहावत है, बिल्कुल हम उनका शुक्र अदा करेंगे। उनका यदि स्वागत हुआ तो निश्चित तौर पर आज भी उनके ओर से ये सुविधा मुहैया की गई खिलाड़ियों के लिए। यदि कोई खिलाड़ी खाना खाना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे स्टेज के पीछे आना है, ये हमें पप्पू जानकर दे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जानकर के लिए। और टीम का स्कोर रुका हुआ, लौट चले क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत रंगीन धुन लौट चले गए, जहां पर मुकाबला इस समय दूसरे दौर का एक घमासान युद्ध जा रहे मैदान के ऊपर, लेकिन ये मुकाबला अभी भी इस मैदान के ऊपर देखेंगे तो मुकाबला दोनों टीमों के लिए उतना ही खुला है जितने की हमने इस मुकाबले से उम्मीद की थी। ये देखिए गेंदबाजी में फिर एक बार गेंदबाज आते हुए, लक्ष्यम से बाहर खराब बल्लेबाजी, बल्लेबाज लगातार उसी दिशा में खेलना चाहते जहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आ पा रही, यही कारण है कि यहां पर टीम लगातार डॉट गेंद की समाप्ति हो पा रही है। हमारे साथ योगेश भी जुड़ चुके हैं, योगेश आपको भी मौका देंगे हम अगले मुकाबले में कॉमेंट्री के लिए, क्योंकि अच्छा बेहतरीन यहाँ पर कॉमेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये स्कूप शॉट लगाने का प्रयास, बार बार उन्हीं गलतियों के यहाँ पर दौड़ने के कारण ये रनआउट की संभावना, अंपायर ने कहा कि बल्लेबाज महफूज है, पॉपिन क्रीज के अंदर थोड़ी सी लापरवाही यहाँ पर की गई है, 2 सेकंड के लिए यहाँ पर खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। बोलू 2 सेकंड की कीमत पूछिए आप पीटी उषा को, 2 माइक्रो सेकंड से पीटी उषा तीसरे नंबर पे पैदान पर रहती और भारत का झंडा लहराया था। ये समय की पाबंदी और सेकंड की पाबंदी हम बताएंगे, एक बार आपको उदाहरण देंगे कि नेपोलियन जब युद्ध कर रहे थे तो नेपोलियन 1 मिनट के लिए युद्ध भूमि में देरी से गए थे और ये पहला युद्ध हारे थे नेपोलियन, वो युद्ध था उनका आदिवासियों के खिलाफ, उन्होंने वो इतिहास रचा था। 1 मिनट की कीमत नेपोलियन से पूछे, 2 सेकंड की कीमत पीटी उषा से पूछे, समय की अहमियत, समय की नजाकत, बिल्कुल समय के साथ चलिए, क्योंकि समय किसका मोहताज नहीं है, हम समय के मोहताज है। टीम का स्कोर अब जाकर बनता हुआ पर, टीम का स्कोर बनता हुआ 28 रन, ये तीसरा ओवर पारी का जारी है और इस ओवर में काफी वापसी के यहाँ पर पालेगांव के गेंदबाज ने और अपनी जो वापसी की उम्मीद रखी थी बिल्कुल वापसी हम देख पा रहे हैं। और लौंगान के ऊपर से खेलने का प्रयास, खिलाड़ी मौजूद लौंगान से, विलास गेंद के नीचे, शानदार कैच, और ये देखिए विलास खुन्नस दिखा रहे हैं गेंद के ऊपर, योगेश थोड़ी सी खुन्नस दिखा यहाँ पर,
और ये खुन्नस क्रिकेट जो पहचान है ग्रामीण की। ओवर की समाप्ति, तीन ओवर के समाप्त के बाद अजीम शान गेंदबाज की, ये देखिए ड्रिंक्स वाले मैदान के अंदर जाते हुए, ये देखिए पांच पांच झंडे लहराते हुए ये शिवसेना का माहौल निर्माण करने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे मंगेश जी दुले साहब कट्टर समर्थक है शिवसेना के, उनके माध्यम से यह प्रतियोगिता फल फूल रही है और मंगेश दुले की यह प्रतियोगिता पूरे विश्व में दिखाई जा रही है और वहां से गूगल्स के ऊपर यह मंगेश दुले साहब कौन है इनको सर्च किया जा रहा है और यह प्रतियोगिता बदलापुर में इतनी बड़ी प्रतियोगिता होती है ये सवाल उठा है और ये यहाँ पर उनको इस प्रतियोगिता को गूगल के माध्यम से सर्च किया जा रहा है। यस बालू कुछ कहना चाह रहे हैं पर नक्कीच मच्छिंद्र पाटील सर ही मित्र मंडल बदलापूरची आन बान शान अशी स्पर्धा आणि हा खरा विजय तो म्हणजे आयोजकांचा आणि मंगेश दादा यांचा मच्छिंद्र पाटील निश्चित बालू बिल्कुल ये देखिए टीम मीटिंग कॉल करते हैं ये झंडे लहरा रहे दर्शकों के लिए एक और सुनहरा मौका आज ये देखिए कल यहाँ पर स्टैंड नहीं थे बैठने के लिए दर्शकों जो आज मुहैया की गई है यानी कि बालू आधुनिकता के दामों को थामते हुए जो भी सुविधा यहाँ पर चाहिए क्रिकेट के लिए टेनिस के लिए आधुनिकता के यहाँ पर दामन को थामते हुए सब कुछ सुविधा यहाँ पर मुहैया की गई हमारे बिल्कुल मंगेश दुले साहब के यहाँ से तो क्या कहेंगे योगेश सर इस यकीनन सर जिस तरह का यहाँ पर आयोजन किया गया है यहाँ पर धुले ब्रदर्स की ओर से हालांकि अच्छी यहाँ पर दर्शकों के लिए भी बैठने के लिए यहाँ पर अच्छी सुविधाएं यहाँ पर देखने मिल रही है हालांकि टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड में अगर विश्व कप हो तो ये भी धुले ब्रदर्स भी कड़क दावेदार है उस वर्ल्ड कप को यहाँ पर आयोजन करने के लिए एक अच्छी सभी खिलाड़ी हो दर्शक हो टीम का स्कोर 28 जीत के लिए 12 गेंदे 23 की आवश्यकता हम बताएंगे आपको स्कोर लेकिन फिलहाल हम चर्चा करें यहाँ पर इस प्रतियोगिता के बारे में बिल्कुल योगेश सही कहा आपने क्योंकि विश्व का टेनिस का विश्व कप होता है स्वर्गीय रतन बोपाटी विशेषक उसके बाद ये दूसरी प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं इतनी बड़ी प्रतियोगिता यानी कि बिल्कुल बड़ी डिसिप्लिन के तहत इस मतलब प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। योगेश हम बात करते हैं सऊदी अरबिया कतार की वहां पर डिसिप्लिन काफी होते हैं कानून काफी सख्त होते हैं और उन सख्त कानून के साथ यह प्रतियोगिता यहां पर खेली जाती है यह प्रतियोगिता की पहली पहचान है। डीजे मास्टर यहां पर माइक की सेटिंग में हिलाइए आप थोड़ा सा आवाज बफ हो रहा है क्योंकि एक आवाज हमारे पूरे विश्व में जा रही है मयूर अच्छा ऑपरेटिंग आप करते आपसे यहाँ पर हो रही है उस आवाज को बंद कीजिए। अब 12 गेंदे 23 की आवश्यकता ये मुकाबला फिर एक बार रोमांच की तरफ बढ़ रहा है और मुकाबले की गरिमा को देखा जाए तो मुकाबला दोनों जीत सकते हैं यहाँ पर कहते हुए गेंदबाज मनीष कोलेकर यहाँ पर गेंदबाज है तो काफी बड़ा ओवर फेंकेंगे यहाँ पर मनीष यानी कि पांड्या गेंदबाजी में आते हुए और ये देखिए यहाँ पर लगाव के ऊपर से खेला गैप में बिल्कुल विलास के पहुंच में गेंद थी लेकिन गेंद सीमा पार शानदार चौका अब वापसी की उम्मीद करेगी आज से वाकलन टीम। ये देखिए साई गायकर ये देखिए आवाज शिवसेना की आवाज क्या यहाँ पर माहौल बनाया शिवसेना का हमारे मंगेश जी दुले साहब ने क्या माहौल यहाँ पर बिल्कुल है हमें भी पूरा गर्व है क्योंकि हम भी हिंदू है क्योंकि हम भी गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू है तो टीम का स्कोर यहाँ से 11 गेंदे अब जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 19 रन की आवश्यकता ये स्कूप शॉट ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल रिवर्स शॉट के माध्यम से स्वीप शॉट के यहाँ पर और गेंद सीमा पर शानदार चौका अब वापसी की उम्मीद शत प्रतिशत करेगी वाकलन टीम ये ताकत है वाकलन की कब फन उठाएगी और कब मुकाबले को आगोश में करेगी इसका कोई यहाँ पर समय नहीं है और ये दूसरा चौका मिलता हुआ यहाँ पर और रमेश गायकर इनकी ओर से डीजे हम रुकाना चाहेंगे एक मिनट आपको मयूर माफी चाहेंगे आपसे अब जीत के लिए 10 गेंदे 15 की आवश्यकता उप सरपंच हमारे वाकलन के अवेश कैकन की ओर से यदि हैट्रिक लगाएंगे तो इसके बल्लेबाज के लिए यहाँ पर बिल्कुल इनाम दिया जाएगा 500 का ये देखिए बिल्कुल बल्लेबाज इस मैदान के ऊपर जिस तरह से बल्लेबाज करना चाहते उसी उम्मीद से यहाँ पर बल्लेबाज करते हैं और ये कमाल की जोरदार डालिया इस बल्लेबाज के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी लगातार 3 चौके पहला रिकॉर्ड इस मैदान के ऊपर 9 गेंदे 11 रन अब बचा क्या मुकाबले में क्योंकि पहले मुकाबले में अमित गायकर इन्होंने 4 गेंद में 4 छक्के लगाए थे उसके बाद हम देख पा रहे हैं ये गायकर साई गायकर यानी कि आज का दिन गायकर परिवार के लिए बिल्कुल अच्छा है बालू 9 गेंदे 11 की आवश्यकता ये पहला रिकॉर्ड इस प्रतियोगिता में 3 गेंदे लगातार 3 चौके का जबरदस्त बल्लेबाजी अब क्या बचा मुकाबले में क्योंकि जिस पांड्या ने बल्लेबाजी का जमकर मुकाबला किया था अब आई रे आई अब पांड्या आपकी बारी आई ये बल्लेबाज कहते पांड्या से अब जीत के लिए 9 गेंदे 11 की आवश्यकता और ये रिवर्स शॉट की गुस्ताख की जरूरत थी क्या यहाँ पर ये सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर उप सरपंच की ओर से 500 का इनाम यहाँ पर बल्लेबाज के लिए आया है
योगेश आपके हाथ में रखिए, उसके बाद देना मुकाबला समाप्त होने के बाद। अब समय कर बनता हुआ बच्ची भी 8 गेंदे 11 की आवश्यकता। आप यहाँ से गैर जमा स्टॉक ला पांडा गेंद के नीचे, कोई यहाँ पर गलती की संभावना नहीं है। एक और विकेट, अब समय कर बनता हुआ 7 गेंदे, अब जीत के लिए 11 की आवश्यकता। अब यहाँ से दोनों टीमें जीत की उम्मीद रख सकती है। डीजे बात है डीजे, ऐसे दिन बजाया पर बहुत बहुत शुक्रिया मयूर, काफी अच्छा माहौल आपने बनाया पर। ओल्ड इज गोल्ड, इस मैदान के ऊपर क्या धुन बजाए, क्या माहौल पैदा किया मैदान के ऊपर, इसे कहते हैं पर माहौल। लेकिन हमें तो बिल्कुल प्यास है इस मुकाबले की हालत जीत के, यहाँ पर हमारा तो दिल बहलता है इस आयोजन को देख कर बलो। और जीत के समय कर बनता है 6 गेंदे, अब जीत के लिए 11 की आवश्यकता। यहाँ से जो गलती यहाँ पर 7 गेंदे 11 की आवश्यकता, यह अंतिम गेंद इस मैदान के ऊपर एक इतिहास रचेगी, क्योंकि अंतिम गेंद में कितने रन आएंगे ये फैसला करेगी इस मुकाबले का। और 2 रन की पेनल्टी मिले यहाँ पर वाकलन टीम को, वो भी यहाँ पर काफी अहम रखती है और काफी मायने रखती है। तो क्या मुकाबला वाकलन टीम यहाँ से जीत पाएगी या फिर पालेगा इस मैदान के ऊपर जीत का जश्न मनाएगी। ये खराब शॉट का सिलेक्शन अंपायर की उंगली आसमान को दिखाते हुए, 6 गेंदे 11 की आवश्यकता, अब आएगा खेल का सही मैदान के ऊपर। ठीक है, शुक्रिया ठीक है बालू। ये मुकाबला यदि यहां से वाकलन टीम शायद हारती है तो इसके जिम्मेदार होंगे जिन्होंने 4-3 गेंद में 3 चौके लगाए साई गायकर, क्योंकि साई गायकर ने जब 3 गेंद में 3 चौके लगाए थे तो 4th गेंद में रिवर्स शॉट क्यू खेला, उसके बाद बीट हुए, उसके बाद उन्हें जो गैर जिम्मेदार स्ट्रोक खेला हवा में खेला पांडे ने कैच लपका, तो साई गायकर बन सकते हैं जीत के दावेदार भी बन सकते हैं और हार के दावेदार भी बन सकते हैं योगेश, क्योंकि जिस तरह से गलतियों को दोहराया उन्होंने, जब 3 गेंद में 3 चौके लगाए थे तो रिवर्स शॉट क्यू खेला, और रिवर्स शॉट खेला तो खेला उसके बाद गैर जिम्मेदार स्ट्रोक क्यों खेला, ये कप्तान की ओर से सवाल पूछा जाएगा यहाँ पर साई के लिए। क्योंकि एक गलती, ये खतरनाक सफर जारी है यहाँ पर, गलती के लिए कोई जगह नहीं यहाँ पर, क्योंकि एक गलती आपको इस प्रतियोगिता से बाहर किया जा सकती है। विश्व कप 2007 का ट्विटेंडी का दिल, वहां पर मिसबा ने एक गलत शॉट खेला, सिरिसन ने कैच लपका, जोगिंदर ने गेंदबाज की और एमएस धोनी ने विश्व कप उठाया था 2007 का। एक गलती की कीमत क्या होती है अब पता चलेगी मैदान के ऊपर। अब समय कर बनता हुआ जीत के लिए, समय कर बनता हुआ रोमांच आता मैदान के ऊपर, 6 गेंदे, अब जीत के लिए 11 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला रोमांचित मुकाबला मैदान के ऊपर, मुकाबले की गरिमा को देखा जाए तो मुकाबला 2 तरफा और ये विकेटों का सिलसिला अब यहाँ पर जारी हो चुका है। तो 6 गेंदे 11 की आवश्यकता, कश्मकश हिरदंगेज मुकाबला, खिलाड़ी तैनात, एक और शानदार कैच, कालूराम बांगरे गेंद के नीचे, विकेट नंबर गिरता हुआ यहाँ पर 7वां विकेट गिरता हुआ, आप 5 गेंदे जीत के लिए 11 की आवश्यकता। क्या क्रिकेट डीज है, तो 5 गेंदे 11 की आवश्यकता है। ये देखिए मैदान के ऊपर क्या रोमांच आता है, अब दर्शकों की धड़कनें तेज होती है, दोनों के समर्थक यहाँ पर बिल्कुल ऊपर वाले को दुआ करते हुए कि इस मुकाबले को जीते। लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है, न इसमें दवा चलती है न दुआ चलती है न इसमें जादू टोना चलता, इसमें चलता है तो बस आपका जज्बा, जुनून, आत्मविश्वास और आपका हुनर का खेल, ये क्रिकेट की पहचान है संदीप। बिल्कुल हम करेंगे बात मैदान के ऊपर, अब जीत के समय बनता हुआ 5 गेंदे 11 की आवश्यकता, 2 रनों की पेनल्टी और उसके बाद विकेटों का सिलसिला, क्या टीम के लिए पर खराब बन सकते हैं क्या। और ये देखिए इलेक्शन से बाहर खेला गैप में, वो ये संजीवनी चौकार मिलेगा बिल्कुल, और यहां से रात मिलेगी। ये देखिए लेग 22 का इशारा अंपायर की ओर से, सीधा 4 रन, किस्मत अभी भी साथ दे रहा पर वाकलन टीम के लिए, 4 गेंदे 7 की आवश्यकता। गेंदबाज नीलेश के ऊपर काफी दबाव होगा, गेंदबाज करते नीलेश, दिनेश मस्क यहाँ पर गेंदबाज करते, ये चौका यहाँ पर किस्मत का चौका साबित हो सकता है, यानी कि किस्मत साथ दे रहा है अभी भी वाकलन टीम को। ये मौका, ये ताकत है वाकलन की, 1 बॉल 4 रन, अब मुकाबले को खुला के यहाँ पर
यही चौके लगाने दो इतना समय के लिए, कप्तान की ओर से सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि वाकलन टीम हमेशा मुकाबले को खुन्नस खेलती है और उसके बाद जीतती है, यानी कि हारने के बाद जीतने का मजा कुछ और होता है। ये जश्न मनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप तीन गेंदे तीन की आवश्यकता, इस बल्लेबाज के लिए भी 500 का इनाम यहाँ पर आ चुका है। बल्लेबाज सेकंड पर अक्षय गोने यहाँ पर बल्लेबाज कर दिया, आठवें नंबर के बल्लेबाज, यही तो ताकत है वाकलन टीम के, आठवें नंबर के बल्लेबाज चौके छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं यहाँ पर। तीन गेंदे तीन रन की आवश्यकता और ये मुकाबला खुला, कमाल की पारी, कुंडस क्रिकेट, जबरदस्त पारी वाकलन के यहाँ पर और वाकलन जीत का झंडा ले रहे यहाँ पर और ये वाकलन टीम के सामने पहले टीम दूसरे दौर से बाहर यहाँ पर। क्या क्रिकेट खेले यहाँ पर, तो मैन ऑफ द मैच का हकदार इसी खिलाड़ी को देंगे, अक्षय घोने को देंगे, दो चौका एक निर्णायक छक्का मारा है तो अक्षय घोने होंगे इस मैदान के ऊपर मैन ऑफ द मैच के यहाँ पर हकदार। और उसके साथ साथ हम श्रेय देंगे साई गायकर को जिन्होंने तीन गेंद में तीन चौके लगाए उसके बाद मुकाबले को खुला किया था। विकी के लिए भी 500 का इनाम है, अक्षय के लिए यहाँ पर 500 का इनाम है, उनके सरपंच हमारे लाडले अवेश गायकर इनके अंश गुजारिश करेंगे कि आपके शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच का खिताब दीजिए अवेश। कमाल का क्रिकेट, इसे क्या नाम है क्रिकेट दोस्तों, क्रिकेट किसका मोहताज नहीं है, हम क्रिकेट के मोहताज है। पाले गांव टीम को मुकाबला जीतने के लिए बिल्कुल काफी मेहनत करनी पड़ी, पसीनों की सिंचाई करनी पड़ी यहाँ पर मुकाबले के जीत के दावेदार। ये देखिए हमारे पंडरीनाथ पाटिल भी आ चुके हैं, धरना के स्वागत है आपका, हमारे आइए मंच के ऊपर, स्वागत है आपका, हम स्वागत करेंगे पंडरीनाथ पाटिल। अक्षय यायचे, अक्षय अभिनंदन तत्पूर्वी, अक्षय आपण वेळेला एक वेळेला तुमचा रेग्युलर इंटरेस्ट होते विकेट जाते, तुम्हाला विश्वास होता की तुम्ही सामना जिंकून द्याल म्हणून? विश्वास होता नक्की, पण साईच्या बघू विश्वास होता नक्कीच। अक्षय थोडे घाबरला, अक्षय या आयोजना